कल न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली कि राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की तरफ से मुझे कुछ सहयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे गरीब के साथ जैसा ये अत्याचार हुआ है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल और दासरथीराम दोरा और राघवराम दोरा और उसके परिवार ने मिलकर जिस तरह षड्यंत्र रच के मेरी किडनी निकाल ली, आगे चल के ये किसी साथ ना हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का सहयोग मुझे मतलब अपने रिपोर्टर भाइयों से, क्राइम ब्रांच से, उड़ीसा सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, और मुझे आज 2013 में मेरे साथ ये मतलब केस हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इस केस में कुछ न कुछ तो सुनवाई होगी, कुछ न कुछ तो फैसला आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दो छोटी छोटी बच्ची हैं और उनको मैं जैसे मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब मुझे यही उम्मीद है कि हॉस्पिटल को और उनके पूरे परिवार को सजा मिले, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी ऐसे सहयोग मिलता रहेगा आप सभी से। देखंतु अपोलो को अपोलोर रजिस्ट्रेशन कैनसल करने सरकार को NHRC पूर्व निर्देश दे सारी पीड़ित को 2 लाख टंका क्षतिपूरण देवाक निर्देश दे सारी किंतु 3 मास पर सरकार एपर्तंत चुप बसते इतिमध्य NHRC निकट में आउ गोटे पिटिशन देते अपोलो निजे जे ये मोर कि भूमिका ना भूल एभली गोटे घटना हो जाए कौन इलिगल होनी कितु हास्यास्पद कहीकि NHRC खारज कर देती NHRC कही आपण हस्पिटाल यहाँ है आपण हस्पिटाल प्रत्यार्पण कराला फटो रखाला तथापि आप भूल होगा यहाँ कौन आधार नुह तेणु रिप्रेजेटेसन टाक खारज कर देती तेणुक खारज कर दे पूर्व जो निर्देश देते जे ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन आक्ट अनुसार निर्देश देते कैनसल रजिस्ट्रेशन कैनसल कराऊ पीड़ित को 2 लाख टंका क्षतिपूरण दि जाऊ यही निर्देश को पालन कर 6 सप्ताह मध्य रिपोर्ट देवा कमिशन मुख्य शासन सचिव को निर्देश देते मुख्य शासन सचिव को आउ यही 6 सप्ताह मध्य जदि यही घटना कार्यानुष्ठान न निया जाए तो मानवाधिकार सुरक्षा आईन अनुसार विरुद्ध कार्यानुष्ठान।